जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वीर्य क्या होता है, वीर्य और शुक्राणु में अंतर क्या होता है और वीर्य में कौन कौन सा पोषक तत्व तो पाया जाता है। तो सबसे पहले हम वीर्य के विषय में समझते हैं, इसी वीडियो में आगे समझेंगे कि वीर्य और शुक्राणु में अंतर क्या होता है और वीर्य में कौन कौन सा पोषक तत्व तो पाया जाता है। तो सबसे पहले हम वीर्य के विषय में देख लेते हैं। देखिए वीर्य को हम क्या बोलते हैं, इसे हम सेवन बोलते हैं। तो हमारे यहाँ देहात में सेवन बोला जाता है। किसको बोलते हैं, तो वीर्य को हम क्या बोलते हैं, सेवन भी बोलते हैं। देखिए जो वीर्य का रंग होता है ना, ये सफ़ेद और दुधिया रंग का होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये धूसर या पीला भी हो सकता है। तो सफ़ेद दुधिया तो सबको पता होता है, ये सफ़ेद रंग का हो ही करता है, लेकिन देखिए कभी कभी ये धूसर या पीला भी हो सकता है। तो धूसर क्या होता है, देखिए भूरे टाइप का होता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, ये भूरा ना, इसी टाइप का क्या होता है, धूसर रंग होता है। अब आप कहिएगा कि पीला कब वीर्य हो जाता है, देखिए जब पीली आपको हो जाएगा ना, तो उस समय आपका जो वीर्य होगा ये पीला निकल सकता है। काहे निकल सकता है, तो देखिए आपका आँख भी पीला हो जाएगा, आपका चेहरा भी पीला हो जाएगा, आपका हाथ पीला भी हो जाएगा, आपका शरीर पीला हो जाएगा। अहिने बसंती ऋतु उड़ल गर्दी हो हमारे देहिया भैल बा पियर हरदी, क्या होता है, ये पीला हो जाता है। तो पीलिया का प्रभाव हमारे वीर्य पे भी क्या कर सकता है, पड़ सकता है। जैसे समझिए मान लीजिए आपको बुखार हो गया ना, आप जैसे बुखार का दवाई खाइएगा तो जब आपका पेशाब निकलेगा ना, तो देखिएगा पीला पीला क्या होता है, पेशाब भी निकलता है। उसी प्रकार से जब आपको पीलिया हो जाएगा तो जो आपका वीर्य होता है ये पीला हो सकता है। समझ में आ गया। अब देखिए कभी कभी वीर्य क्या होता है, ये लाल और गुलाबी भी हो सकता है। देखिए जब लाल और गुलाबी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेमाटोस्पर्मिया बोला जाता है। कब बोला जाता है, तो जो हमारा वीर्य होता है जब लाल और गुलाबी हो जाता है तब उसे हम क्या बोलते हैं, हेमाटोस्पर्मिया बोलते हैं। देखिए जब ये हो जाएगा ना, तो आपको डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज करवा लेना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि दिक्कत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वीर्य कभी लाल और गुलाबी हो नहीं सकता है। कैसा होता है, तो सबसे ज़्यादा वीर्य का कलर कैसा होता है, तो सफ़ेद और दुधिया रंग का होता है। समझ में क्या। अब देखिए एक बार में वीर्य कितना निकलता है, अगर एक बार में वीर्य का संख्या पूछता है कि कितना निकलता है और उसमें कितने शुक्राणु होते हैं, देखिए 300 मिलियन से लेके 400 मिलियन तक। ये 300 से लेके 400 मिलियन बहुत ज़्यादा संख्या हो जाता है। अगर उतना अच्छा फायदा हो जाएगा तो ठोकेले बहुत बड़ा देश बसा देगा। तो एक बार में जब वीर्य निकलता है तो 300 से लेके 400 मिलियन क्या होते हैं, उसमें शुक्राणु होते हैं। लेकिन देखिए अगर एक मिली लीटर में, देखिए मिली लीटर जो होता है ना बड़ा छोटा इकाई होता है, तो एक मिली लीटर में जो शुक्राणुओं का संख्या होता है कितना होता है, 1.5 से लेकर 3.9 करोड़ क्या होता है, शुक्राणुओं का संख्या होता है। किसमें होता है, देखिए जब एक मिली लीटर बहुत छोटा इकाई होता है, जब एक मिली लीटर अगर वीर्य निकलता है तो जो उसमें शुक्राणुओं का संख्या होता है कितना होता है, 1.5 से लेकर 3.9 करोड़ के बीच में क्या होता है, ये संख्या होता है। समझ में गया। अगला देखिए वीर्य में कौन सा विटामिन होता है, बहुत बार पूछा गया है कि वीर्य में कौन सा विटामिन होता है। देखिए डी और कैल्शियम पाया जाता है, तो यह पता है आपको ABCD, तो क्या होता है, डी होता है और कैल्शियम होता है। समझ में क्या। अब देखिए वीर्य को मात्रा कौन बढ़ाता है, यानी हमारे शरीर में क्या ऐसा चीज होता है जो वीर्य को मात्रा को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। देखिए इसमें होता क्या है, फोलिक एसिड होता है और क्या होता है, तो विटामिन B9 क्या होता है, विटामिन B9 होता है और फोलिक एसिड होता है, यही क्या करते हैं, तो वीर्य की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अब हमें क्या खाना चाहिए कि वीर्य का मात्रा ज़्यादा हो, तो देखिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है अंडा। अंडा में क्या होता है, तो ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिसके कारण वीर्य बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो आपको जितना भी हो सके फल फूल हरा सब्जी खाना चाहिए। हमारे क्या कहता सब, अगर 20 रुपया रहेगा ना तुरंत पहुँचेगा चौराहा पे, चचा 10 रुपये पकौड़ी दे दो और 10 रुपये अचार दे दो, अरे घंटा पड़ेगा भैया उससे, उस सब खाने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अगर वीर्य का मात्रा बढ़ाना है तो अंडा का सेवन करिए, फल फ्रूट खाइए, हरा हरा सब्जी खाइए। उस समय क्या होता है, तो ये सब पाए जाते हैं जिसके कारण वीर्य में क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझते हैं कि वीर्य में कौन कौन सा पोषक तत्व तो पाया जाता है और उनमें अंतर क्या होता है। चलिए अब समझते हैं कि जो हमारे वीर्य होता है कौन कौन चीज़ों से मिलकर बनता है। चलिए समझते हैं। देखिए जो वीर्य होता है ना, इसमें 60% समाइनल होता है, 30% प्रोस्टेट ग्रंथ होता है, 10% अंडकोश होता है। यानी जो हमारे वीर्य होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो समाइनल पाया जाता है, 30% प्रोस्टेट ग्रंथ होता है और 10% अंडकोश होता है। देखिए जो अंडकोश होता है ना, ये बच्चे के जन्म में क्या करता है, सहायता करता है। लेकिन जो प्रोस्टेट ग्रंथ होता है इसका काम करता है, देखिए जो प्रोस्टेट ग्रंथ होता है ना, तो जो भी हमारे वीर्य में, देखिए वीर्य हमारा क्या होता है, सफ़ेद होता है
और दूधिया रंग का होता है, यह मेन होता है। लेकिन इसमें धूसर भी होता है, पीला भी होता है, लाल भी होता है, गुलाबी होता है, वो सब अलग बात है। लेकिन जो मुख्य होता है, जो वीर्य मेन होता है, उसका कलर कैसे होता है, तो सफ़ेद और दूधिया रंग का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि दूधिया रंग कहाँ होता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथ की वजह से क्या होता है, जो हमारा वीर्य होता है उसमें दूधिया रंग इसी की वजह से होता है। कौन सा होता है, तो दूधिया रंग होता है। अब देखिए वो अखरोट के जैसा होता है, यानी जो प्रोस्टेट ग्रंथ होता है कैसा होता है, ये अखरोट के जैसा होता है। अगर आपसे पूछता है कि अखरोट के जैसा क्या होता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथ होता है। और यही क्या कहता है, जो वीर्य में दूधिया कलर होता है, तो इसी की वजह से होता है। अब देखिए हजन प्रोस्टेट ग्रंथ होता है, एक काम और ही होता है। इसका काम क्या होता है, देखिए है क्या बाबू, है सब शुक्राणु है, तो शुक्राणु को खाना पीना देने का काम भी कौन करता है, तो ये प्रोस्टेट करता है। एक बात बताइए, हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इंसान, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, शेर, चीता यानी पेड़ पौधे, सबको किसी न किसी माध्यम से भोजन मिलता है, तभी वो क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। उसी तरह से जो हमारा शुक्राणु होता है, इसको भोजन कौन देता है, तो ये प्रोस्टेट ग्रंथ देता है। समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया कि वीर्य में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो सेमाइनल होता है, प्रोस्टेट होता है और अंडकोश होता है। अब हम समझते हैं कि वीर्य और शुक्राणु में अंतर क्या होता है, चलिए उसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए है क्या बाबू पल्ला, इसे हम क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। लेकिन वीर्य में जो टेणका टेणका है, इसे हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। देखिए जो वीर्य होता है ना, उसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन शुक्राणु को हम नहीं देख पाते हैं। जैसे वीर्य निकलता है ना पेनिक्स से, तो देखिएगा आप उसको देख सकते हैं, लेकिन सोचिएगा उसके अंदर नमक है, हम शुक्राणुओं को देख लेंगे तो हम नहीं देख पाते हैं। जैसे समझिए दूध आप पीते हैं, दही पीते हैं, दूध और दही में ना बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, अगर आप उसको देख जाइएगा तो पीने का मन नहीं करेगा। तो देखना है तो जाइएगा लैब में, उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत छोटा छोटा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, आप देखेंगे ना तो पीने का मन नहीं करेगा। तो दूध को तो हम देख सकते हैं, बैक्टीरिया को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। दही को देख सकते हैं, लेकिन दही में छिपे बैक्टीरिया को हम नहीं देख सकते। उसी प्रकार से हम वीर्य को देख सकते हैं, लेकिन वीर्य में जो शुक्राणु होता है ना, उसको हम नहीं देख सकते हैं। ये कौन देखेगा, तो एकदम दूरबीन वूरबीन लगा के सब लैब में देखता है, वही सब क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। अगर आपको भी देखना है तो जाइएगा लैब में देख लिया। जैसे मुझे गुब्बारा देखे ना, गुब्बारा को देखिएगा, फूंक फूंक के एकदम आदमी बड़ा कर देता है। तो गुब्बारा को तो हम देख सकते हैं, लेकिन क्या हवा को देख सकते हैं कि हवा कैसे भरा है इसमें, बस ये जानेंगे हाँ इसमें हवा है, लेकिन हवा को हम नहीं देख सकते हैं। गुब्बारा को देख सकते हैं, लेकिन हवा को हम नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार से वीर्य को देख सकते हैं, लेकिन शुक्राणु को नहीं देख सकते हैं। और यही शुक्राणु क्या होता है, जब मेल और फीमेल शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो यही क्या होता है, जैसे निकलता है एक बार में 300 से लेकर 400 मिलियन तक निकलता है, एकदम सनसन सनसन भागता कहाँ है, तो अंडाशय के पास जाता है, और अंडाशय में जाता है, तो जैसे अंडाशय निकलता है तो क्या होता है, वो भ्रूण का रूप ले लेता है। और जैसे वो भ्रूण का रूप ले लेता है, तो जैसे भागने लगता है, तो सब लोग उसको दौड़ाते हैं, वो भागते कहाँ जाता है, बच्चेदानी के पास जाता है। और जैसे बच्चेदानी देखता है कि कौन आ रहा है, ये ऊपर उठ जाता है, और ये भ्रूण क्या होता है, उसके अंदर प्रवेश कर देता है, और बच्चे का जन्म हो जाता है। समझ में आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, वीर्य को देख सकते हैं, लेकिन शुक्राणु को हम नहीं देख सकते। समझ में आ गया इतना। अब हम समझते हैं कि हमारे वीर्य में कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। चलिए समझिए, देखिए कैल्शियम पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, फैक्टोज पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, और सिट्रेट पाया जाता है। देखिए कैल्शियम को CS बताते हैं, ग्लूकोज को C6H12O6 से लिखते हैं, मैग्नीशियम को MG से लिखते हैं, जिंक को ZN से लिखते हैं। तो क्या होगा, इसका रासायनिक नाम होता है। तो यही क्या होता है, कैल्शियम, ग्लूकोज, मैग्नीशियम, जिंक, फैक्टोज, लैक्टिक एसिड और सिट्रेट, ये सब क्या होते हैं, तो हमारे वीर्य में पोषक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। समझ में आ गया। लेकिन एक चीज और देखिए, देखिए जिसका शुक्राणु है गोलकार रहेगा ना, कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। जिसके शुक्राणु में देखिए हाइसन रहेगा, पोछिया हुआ, तब वह बच्चा पैदा होता है। कहे होता है, इसे हम बोलते हैं माइक्रोकांडिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोकांडिया बोलते हैं, कांडिया। और जिसके अंदर है माइक्रोकांडिया रहेगा ना, तब बच्चा पैदा होता है। कहाँ होता है, भाई देखिए सांपे जैसा ना, इस सनसन सनसन भागता है, और ये जो गोलका होता है एकदम गोता होता है, भाग ही नहीं पाता है। तो जो पूछिया होता है, यही क्या करता है, उसको रफ्तार बनाता है, तब वह आगे बढ़ता है। तो ये जिसके अंदर रहता है वही क्या करता है, बच्चे को जन्म दे पाता है। और वही जिसके अंदर नहीं रहेगा ना, तो बच्चा वही बने करे। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वीर्य क्या होता है, वीर्य किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, वीर्य में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, और वीर्य को बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।